वेलकम टू एमएस एग्जाम्स क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। ये हम लोगों का दसवां वीडियो है, लेकिन हम लोगों का जो चैप्टर है वो नाइन्थ ही है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 150 क्वेश्चंस थे, उनको मैंने दो वीडियो में कवर किया है। आज उसी का हम लोग अनुप्रयोग देखेंगे, यानी कि अप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अप्लीकेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं दिया हुआ है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में। पहला क्वेश्चन है, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करें। भूमि से 100 मीटर ऊंचा, ये हो गया जमीन, और यहाँ से ये हो गया जमीन, 100 मीटर ऊंचाई पर इस तरह से क्या है, पतंग उड़ रहा है, तो पतंग की डोर यही वाला होगा, इसका लंबाई मालूम करना है। और यहाँ पर दिया हुआ ये कितना उन्नयन कोण, जब भी बोलेगा तो याद रखिएगा, उन्नयन कोण जमीन से ऊपर की ओर होता है, और अवनमन कोण जब बोलेगा, अवनयन कोण तो ऊपर से हम लोग 36 खींच लेंगे, और वहां से जो देखते हैं तो ये नीचे वाला एंगल होता है वो अवनयन कोण होता है। तो हमेशा उन्नयन कोण और अवनयन कोण बराबर होता है, इसलिए उन्नयन कोण को और हम उन्नयन कोण के इक्वल कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे यह दोनों क्या हो गया, पैरेलल लाइन और एक तिरछी रेखा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए उन्नयन कोण और अवनयन कोण दोनों सेम ही रहेगा, बस नाम अलग अलग हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, ये एच निकालना है, तो ये हो गया पी और ये हो गया एच, तो पी और एच किस में आता है, साइन में, तो साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटा एच, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, रूट 3/2, यहाँ पर पुट कर देंगे, रूट 3/2 हंड्रेड बाई एच, यहाँ से क्रॉस कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच इक्वल्स टू 200 बटा रूट थ्री को हम एक बार क्या कर लेंगे, हाई फ्रेम में कन कर लेंगे, रूट थ्री से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 रूट थ्री बटा 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 1 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई ज्ञात करें। ये हो गया 12 मीटर ऊंचे आपके खंभा, और इसका जो परछाई है यहाँ पर कुछ इस तरह से है, ये पूछ रहा है उन्नयन कोण क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका परछाई की जो लंबाई है, परछाई की लंबाई ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया परछाई की लंबाई, ठीक है, तो आपको पूछा ये एंगल कितना हो जाएगा, तो पी और बी के बीच में रिलेशन किस में आता है, हमेशा याद रखिएगा पी और बी के बीच में रिलेशन टेन का होता है या फिर कॉट का होता है, तो हम टेन का ले लेते हैं, टेन थीटा, इसको थीटा मान लिए, बराबर पी बटा बी, ठीक है, ये कट जाएगा तो 4 दिया, ये और कटेगा तो ऊपर में हो जाएगा रूट 3, यानी कि टेन कब रूट 3 होता है, तो टेन 60 के बराबर में है, रूट 3 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, मान लेते हैं कि ये मीनार है 10 मीटर ऊंचाई इस बार, ठीक है, और जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, ये वाला जो एंगल है दे दिया है कितना, 45 डिग्री, ठीक है, तो मीनार की छाया की लंबाई ज्ञात करें, ये लंबाई कितना हो जाएगा, एक्स मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी पी, और ये बी, पी और बी किस में अप्लाई होता है, टेन में होता है, और टेन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, दैट इज टेन 45 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी बाई बी, दैट इज 10 बटा एक्स, और टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, तो एक्स बराबर 10, यानी कि ये इसका भी लंबाई क्या हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ, यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है, यानी कि ये ऊंचाई और ये लंबाई समान है, ये बोल रहा है ना, तो उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। दो खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं, दो खंभे, ठीक है, दो खंभा ले लेते हैं, एक हो गया खंभा ये जो कि 13 मीटर, और एक खंभा हो गया ये जो कि 7 मीटर ऊंचे हैं, और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, यदि इनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर, यहां से यहां तक का दूरी, दोनों का जो फुट है 8 मीटर की दूरी पर है, तो सिरों के बीच की दूरी कितनी होगी, पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, दोनों के सिरों, यहाँ से यहाँ तक अगर हम निकालें तो यहाँ ये हो गया अगर 8, तो ये हो जाएगा 8, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ये भी यहाँ से तक 7 हो जाएगा, तो बच कितना के ऊपर में 6, ये हो गया 8, 8, 6, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दैट इज 10 हो जाएगा, यानी कि दोनों सिरों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, 6 नंबर में दिया हुआ है, 25 मीटर ऊंचे पहाड़ी
ऊंची पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात है। देखिए क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है, टेक्निकल है थोड़ा सा। 25 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है, ये हो गया आपका मीनार। और यहाँ पर एक ऊंचे शिखर है यानी कि पहाड़ी है, यहाँ से क्या करते हैं इस शिखर से मीनार के शिखर का, शिखर हो गया मीनार का यहाँ पे, और यहाँ से जब देखते हैं तो यहाँ पर उन्नयन कोण कितना बता रहा है यहाँ पे उसके पाद के अवनमन कोण, यानी कि ऊपर देखते हैं या यहाँ से नीचे देखते हैं दोनों ही केस में क्या होता है कोण बराबर होता है, ठीक है। तो अवनमन कोण यहाँ ये वाला हो गया और उन्नयन कोण ये वाला हो गया और दोनों बराबर है, ठीक। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, इसको मान लेते हैं थीटा, इसको भी मान लेते हैं थीटा, ठीक है। और क्या डाटा दिया हुआ यहाँ पे, 25 मीटर ऊंची पहाड़ी, 25 मीटर ऊंची पहाड़ी चोटी से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ 25, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये पहाड़ी इतनी ऊंची है, ये 25 दिया हुआ है। तो ये कैसा ट्रेंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा देखें तो ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि इसका जो एंगल है यहाँ पर वो जितना होगा इतना इधर भी उतना ही होगा, तो ये अगर 25 है तो इधर भी क्या हो जाएगा 25, तो सीधा सा दिख रहा है 25 25 50 हो जाएगा, ठीक है। तो टेक्निक लगाएंगे तो सीधा सीधा बन जाएगा 6 का हो जाएगा बी। 7 नंबर में दिया भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, जैसे कि दिया हुआ यहाँ पे भूमि के एक बिंदु से, ये हो गया भूमि का एक बिंदु जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से जो शिखर है ना मीनार का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री है। तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई बोले तो परपेंडिकुलर निकालना है इसका, तो पी और बी के बीच रिलेशन किसका होता है, तो पी और बी में 10 का होता है और 10 30 का होता है 1/√3, तो इसको हम लोग पुट कर लेंगे 10 30 = P/30, और इसका मतलब √3 होता है, तो 30 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 30√3। इस तरह क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस इसमें लैंग्वेज है, इससे पहले वाला जो हम लोग देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री उसमें लैंग्वेज नहीं था, इसमें सिर्फ लैंग्वेज है, माइक और कोई फर्क नहीं है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, यदि सूरज के एक किरण का झुकाव 45 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री होता है तो मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसके लिए बोर्ड साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या है यहाँ पे, सूरज के किरण का झुकाव 45 से 60 डिग्री बढ़ता है तो मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, ये हो गया मीनार, सूरज है यहाँ पे जो चमक रही है, और क्या बता रहा है झुकाव जो है पहले 45 था, बाद में क्या हो जाता है ये 60 डिग्री पे आ जाता है, ठीक है 60 डिग्री पे आ जाता है, तो इसका जो मीनार की छाया की जो लंबाई है ना यहाँ से यहाँ तक दूरी 50 मीटर घट जाती है, यानी कि कम हो गया, क्योंकि सूरज की रोशनी का जो एंगल बना रहा था यहाँ पे 45 बना रहा था, 60 जब बन गया तो डिस्टेंस घट गया 50 मीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ये मान लेते हैं x। तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी जो होगा वो x के ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जब 45 डिग्री होता है तो tan 45 कब होता है, जब p और p दोनों बराबर होता है, यानी कि ये अगर x है तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक x हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या क्या बच जाएगा x-50। तो इसे लॉजिक लगा लेंगे, ऑब्जेक्टिव है तो हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, ये मालूम चल गया, ये भी मालूम चल गया, 10 60 क्या हो जाता है √3, पी कितना x और बी कितना ये से यहाँ तक x-50, तो यहाँ सब x का वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इधर आ जाएगा तो √3x-50, √3 = x, x को इस पर लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा x को कॉमन में ले लेंगे तो √3-1, और इधर आएगा तो 50 हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा 50/√3-1। इसका अगर हर परिमेयकरण कर लेंगे, अगर आंसर यहाँ पर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हर परिमेयकरण बटे में नहीं है तो यहाँ पर
रूट थ्री माइनस वन, यानी कि प्लस वन ले लेंगे इसका ऑपोजिट, यहाँ पर हो जाएगा 50 रूट थ्री प्लस वन, और नीचे में तीन का स्क्वायर करेंगे तीन, और वन का स्क्वायर करेंगे वन, तीन माइनस वन दो, दो कट जाएगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है। आंसर तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, आठ नंबर का आंसर है यहाँ पे, टेन सिक्सटी। टेन सिक्सटी क्या होता है, रूट थ्री, तो पी बाय बी, ठीक है, इधर आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर रूट थ्री पहले से यहाँ पर मौजूद था, ठीक है, तो रूट थ्री यहाँ पर भी रहेगा ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट थ्री को जब गुना कर देंगे यहाँ पे किससे, रूट थ्री प्लस वन से, तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन मिल नहीं रहा था, नाइन में दिया हुआ है, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया की उसकी ऊंचाई के बराबर होगा तो कोण कितना हो जाएगा, जब ऊंचाई और ये छाया बराबर हो जाएगा, मतलब ये कब होता है, पी बटे बी वन कब होगा, 45 डिग्री पर, तो इसका आंसर नौ का हो जाएगा बी, ठीक है। टेन में दिया हुआ एच वन और एच टू ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनता है, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे, एक मान लेते हैं एच वन वाला है और दूसरा एच टू वाला है, ठीक है, और क्या बोल रहा है यहाँ पे, दोनों का जो मध्य बिंदु है यहाँ से क्या बन रहा था यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर टेन में क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा है, ये ज्यादा ऊंचा है ना यहाँ पे, और दोनों का मध्य बिंदु है, तो जो ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा कितना, 30 डिग्री, तो दोनों मीनारों द्वारा क्रमशः इतना इतना एंगल बनता है, तो एच वन बटा एच टू क्या हो जाएगा, एच वन एच टू दोनों का मध्य बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स बाय टू, या सेम दूरी मान लेते हैं ना, एक्स ही है, टोटल दूरी टू एक्स था तो एक्स एक्स हो गया, तो यहाँ पर ये बट्टा ये कितना किस में होता है, टेन सिक्सटी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कितना हो जाएगा टेन सिक्सटी का वैल्यू, रूट थ्री बाई रूट थ्री हो जाएगा और ये होता है पी बट्टा बी, तो एच वन बट्टा एक्स, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या हो जाएगा, टेन थर्टी यानी कि वन बाय रूट थ्री, टेन थर्टी मतलब वन बाय रूट थ्री, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एच टू बट्टे एक्स, दोनों जगह से एक्स को इक्वल कर लेंगे, क्रॉस कर लेते हैं अगर, तो यहाँ से एक्स इक्वल नहीं करेंगे, यहाँ पर एच टू वन निकालना है ना, तो यहाँ से जो एच वन हो जाता है रूट थ्री एक्स, और यहाँ से एच टू क्या आ जाएगा, एक्स बाय रूट थ्री, और हमको क्या मालूम करना है, एच वन बाय एच टू, यस एच वन बाय एच टू, एच वन क्या हो जाएगा रूट थ्री एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स बाय रूट थ्री, एक्स एक्स तो कट जाएगा यहाँ पे, रूट थ्री ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, ठीक है, तो थ्री एच टू वन, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया हुआ है, टेन का हो जाएगा ए। इलेवन में दिया हुआ है 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, 6 मीटर ऊंचा क्या है यहाँ पे, टावर है, यह हो गया 6 मीटर ऊंचा टावर, पृथ्वी पर कितना 2√3 मीटर लंबी बना, क्या बनाती है यहाँ पे, छाया बनाती है, तो पूछ रहा है कि एंगल कितना हो जाएगा, तो पी बट्टा बी, पी बट्टा बी किसमें होता, टेन, तो P बट्टा बट्टे में B, ये हो जाएगा 3 कटेगा तो रूट थ्री, और टेन रूट थ्री किस में होता है, 60 में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई ऊंचाई बराबर हो, सिंपल सी बात है, रेडियन में दिया हुआ यहाँ पर आंसर, तो पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 45 डिग्री को पाई बाय 4 भी बोलते हैं, तो 13 का 12 का क्या हो जाएगा, 5/4। 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार के पाद से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु के बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा,
यहाँ पर क्या बोल रहा है, 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार है और यहाँ से 5 मीटर दूरी क्या है, यहाँ पे 5 मीटर इधर और 5 मीटर इधर, तो पूछ रहा है एंगल कितना हो जाएगा। जब ये और ये बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, टेन लगा देंगे, पी बाई बी वन हो जाएगा कब, 45, टेन 45 में। उन्नयन कोण और अनुयन कोण में क्या संबंध है, दोनों बराबर होता है भाई, 14 का ए हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए थोड़ा सा उन्नयन कोण अनुयन का, अनुयन कोण क्या होता है। यह कोई मीनार है और इस मीनार पर एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी रहे, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से नीचे की ओर देखेगा, नीचे की ओर, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका आंख का हॉरिजॉन्टल में खींच देंगे एक लाइन, और वो जो यह वाला एंगल होता है थीटा, इसको कहते हैं अवनमन कोण, और जब कोई आदमी यहाँ से कोई चीज़ देखता है यहाँ से ऊपर, तो इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। तो दोनों जब समांतर रेखा को एक तिरछी सीधी रेखा काटता है तो क्या होता है, एक अंतर अंतः कोण बराबर होता है। ठीक है, 45 में दिया हुआ है, यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुना है। क्या कह रहा है, एक उदग्र खंभा, यही है मेरा खंभा, ठीक है, खंभे की, यदि उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुना है, यह अगर x है तो यह हो जाएगा √3x, यह अगर 1 है तो यह हो जाएगा √3। ठीक है, तो पूछ रहा है उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी बाई बी यानी कि 1/√3, 1/√3 टेन कितना में होता है, टेन 30 में होता है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 30 एंगल। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। चलिए थोड़ा सा इसको हम अब मैप पढ़ेंगे, इसमें पश्चिम पूरा डायरेक्शन दिखाना होगा। चलिए हम लोग जब मैप देखते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, ऊपर की ओर नॉर्थ होता है और नीचे की ओर साउथ होता है, राइट की ओर ईस्ट होता है और लेफ्ट की ओर क्या होता है, वेस्ट। चलिए हम लोग इस डायग्राम को फॉलो करेंगे। आदमी क्या करता है, पश्चिम ओर, पश्चिम की ओर जाता है, ये हो गया पश्चिम, कितना कितना गया, ये 24 मीटर गया। ठीक है, पश्चिम जाता है, पुनः हुआ 10 मीटर उत्तर, उत्तर मतलब ऊपर की ओर। ठीक है, यह हो गया 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, प्रारंभ किया था यहाँ से और अब है यहाँ पे, तो दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर 24 और ये 10, इसका स्क्वायर करेंगे, जोड़ लेंगे 24 का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस निकालना है यहाँ पे, थ्योरम केस का, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 476 और 10 का स्क्वायर 176। 24 का स्क्वायर सही है क्या, 24 चौके 96, 24 दूनी 48, 6 8 9 17, ये 576 हो जाएगा, ये 676 हो जाएगा। ठीक है, तो 676 किसका अर्थ होता है, ऑप्शन में क्या क्या है जी, हाँ ये 16 में 26 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल निकालेंगे अगर इसका, 26 गुना 26, 6 6 का 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 26 दूनी 52, 6 7 6। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, ये 26, यानी कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं फिजिक्स के भाषा में, विस्थापन कितना है 26 मीटर। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित, मान लेते हैं ना यही मीनार है मेरा, ठीक है, और मीनार से 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है और उस बिंदु से उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, तो पूछ रहा है इसका हाइट कितना हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x/100 यानी कि p/b बराबर √3, टेन लगा दिए भाई, तो x क्या हो जाएगा 100√3। ठीक है, जितना शॉर्टकट मार सकते हैं इसके, 17 का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसमें ज्यादा क्वेश्चंस थे नहीं, ओनली 20 क्वेश्चंस था सर, हर इसलिए मैंने हर एक क्वेश्चन को टच किया। दो खंभे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे हैं। चलिए दो खंभा ले लेते हैं, कौन सा वाला खंभा भाई, 6 मीटर, चलिए थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, ये वाला 11 मीटर। ठीक है, और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। ठीक है,
ऊर्ध्वाधर का मतलब वर्टिकल खड़ा है, यदि उनके पादों के बीच की दूरी, पाद कहने का मतलब होता है फुट, दोनों के फुट के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 12 मीटर है, तो उनके सिरों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये लीजिए यहाँ पे 12 होगा, यहाँ से यहाँ तक 6, तो यहाँ से यहाँ तक भी 6, तो बच के आएगा ऊपर में ये हो जाएगा 5, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 12, ये हो गया 5, यहाँ से यहाँ तक 13 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 125, 144 और 125 को जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा, जो कि √13 हो जाता है, ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है, तो दोनों का जो शीर्ष है उनके बीच की दूरी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 18 का सी हो जाएगा, ठीक है। 19 में दिया हुआ, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है तो उन्नयन कोण ज्ञात करें, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की जमीन पर स्तंभ की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई √3 गुना है, यानी कि यहाँ पर जो मान लेते हैं यहाँ खंभा है, छाया √3 है और ये 1 है, तो इसका √3 है, तो 1/√3 पी बाई बी, पी 1/√3 बी में 1/√3 टेन कब होता है, टेन कब 30 में, तो उन्नयन कोण का क्या हो जाएगा यहाँ पे 19 का हो जाएगा ए, ठीक है। ठीक है यहाँ पे उसके बाद क्या है 20 नंबर में, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, छड़ का लंबाई और छाया का अनुपात देख लीजिए, यह हो गया छड़ की लंबाई और उसका छाया होगा यहाँ पे, तो कितना है 1/√3, यहाँ पर एक है तो यह हो गया और √3, तो पी बाई बी, पी यहाँ पर हो गया आपका 1 और बी हो गया √3, तो पी बाई बी दैट इज 10, कितना का वैल्यू होता है ये, तो 10/30, ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर दिया, और अब मिलेंगे अगले वीडियो में, क्विक रिवीजन सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, धन्यवाद।